नमस्कार, मैं हूं राकेश भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं वेलकम न्यूज में। चलो अब ले चलते हैं खबरों की दुनिया में, क्या हो रहा है आज खास। सनिधाम ट्रस्ट की ओर से जिला प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित गरीब कार्ड योजना के तहत सिरोही जिले के आवरोड स्थित दरबार स्कूल में हजारों की तादाद में आदिवासी व गरीब असहाय लोगों को आज सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर श्रीराम मीणा ने कहा कि सनिधाम ट्रस्ट की ओर से जो गरीब कार्ड योजना शुरू की गई है वह निसंदेह गरीब लोगों के लिए वरदान साबित होगी। बिल्कुल स्पष्ट है कि उन असहाय गरीबों मजलूम लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है और जिन्हें सरकारी योजनाओं में भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को ट्रस्ट द्वारा, सनिधाम ट्रस्ट द्वारा महाराज जी के सानिध्य में उन सभी लोगों को एक संबल मिलेगा। ये है कि गरीब के द्वार तक बाबा दुआओं के रूप में, इस जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो आर्थिक सहायता है इसके रूप में, दुआओं के रूप में गरीबों तक पहुंचे। संत ने कहा है कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनि निबंधु ने तुझे बारंबार। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले और ऐसी उत्तम योनि निबंधु ने तुझे बारंबार मिले। इस मनुष्य शरीर को पाकर यदि मनुष्य मनुष्य से प्यार नहीं करता है फिर वो क्या करेगा। जहां तक योजना की बात है, मैं राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं और जिनके लिए भी कर रहा हूं वो मेरे माँ बाप है और ये मेरा सौभाग्य है कि शासन ने, प्रशासन ने मुझे सेवा का अवसर दिया। ये योजना मात्र उन लोगों के लिए जो किसी तकनीकी कारण की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, चाहे वो बीपीएल हो, किसी तकनीकी कोई भी कारण हो सकता है, तकनीक क्योंकि सरकार के कई तकनीकी कारण है, किसी भी तकनीकी कारण से जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे उनके लिए ये गरीब कार्ड योजना है। गरीब कार्ड योजना के तहत 10 किलो गेहूं, जिसके आगे पीछे कोई, उस व्यक्ति के लिए हर महीने 10 किलो गेहूं, उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था, उनके लिए मेडिकल की व्यवस्था, हर महीने उनका चिकित्सा होगी, उन्हें फ्री में दवाएं दी जाए। इसके साथ साथ यदि वो व्यक्ति गरीब है और उसके घर में कन्या है तो उस कन्या को पढ़ाने का खर्चा भी सनिधाम ट्रस्ट करेगा और यदि उसका सामर्थ्य नहीं है तो उसके लिए शादी का खर्चा भी करेगा। ये सनिधाम ट्रस्ट का छोटा सा प्रयास है और मेरे जीवन का मकसद है और मैंने अपने जीवन में देखा कि पर हित सर्व धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हम स्वतः ही खुश रहना शुरू कर देंगे और ये एक ऐसा अवसर है, हर मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये उत्तम कार्य है अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने अपने लोगों की। संत वही है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, मनुष्य वही है जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है और संपूर्ण राष्ट्र में ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सुख सुविधाएं मत भोगो, लेकिन आप उन लोगों को भी देखो जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। यदि आप 10 रुपया खर्च करते हो तो कम से कम 1 रुपया हक तो उनका भी बनता है, उन तक पहुंचना चाहिए। वे लोग जिनकी क्षमता नहीं है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, सामर्थ्यवान लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और शनिदेव का भक्त और शनिदेव का ये कहना है कि तू मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोदू तो कहना, और तू मेरा अपने, तू मुझे अपना बना के देख, मैं सारी दुनिया तेरी नहीं बना। और मुझे अपना बनाने का मतलब गरीब के साथ खड़ा होना, बेकसम के साथ खड़ा होना ही शनिदेव का पूजन है। शनिदेव का यह भी कहना है कि तू लोगों के आंसू पहुंच के तो देख, आनंद के सागर नहीं भर दू तो कहना। और एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, मनुष्य जन्म मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है और जो मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्य के साथ खड़ा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि इस जीवन का सार्थक होगा। तो हमें अवसर मिला है, हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन ऐसा अवसर नहीं होगा। मैं पुनः शासन और प्रशासन दोनों का आभारी हूं, जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबका आभारी हूँ कि मुझे सेवा का अवसर दिया। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम सिरोही में कम से कम लोग 5,000 लोग हो ऐसे जिन तक मैं पहुंच, जिनका कोई भी तकनीकी कारण की वजह से बीपीएल में चयन नहीं हुआ। और छोटी सी जीवन की यात्रा है और इस यात्रा में मैंने ये देखा है कि जो आनंद, यार अपने लिए तो सब कोई जीता है, अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए जीके तो देखो हृदय गदगद होने लगेगा।
क्या भाव जी, इन उद्देश्यों से आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा इन कार्यक्रमों से? मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मेरे राष्ट्र के लोगों की सेवा करना ही मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है, मेरा धर्म है। और मेरे जीवन का मकसद यही है कि मेरे वे लोग जिन जो मेरे हैं, जो मेरे राष्ट्र के लोग हैं, इनकी सेवा करना ही मेरी साधना है, मेरा यज्ञ है, मेरा अनुष्ठान है, मेरा मंत्र जाप है और मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य। अगली सेवा कहाँ है सर आपकी? मैं अभी पाली और सिरोही में शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद जालोर, फिर नागौर, बाड़मेर, राजसमंद और जैसलमेर, इनकी इस एरिया तक जाना। कितने कितने टाइम पीरियड के बाद? धीरे धीरे, क्योंकि मैं कदम धीरे धीरे रखता हूँ। गरीब साधु हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, शनिदेव का भक्त हूँ और झोली लेके दुनिया में चलता हूँ। जिनके पास है उनसे कहता हूँ कि आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ कह देते हैं। इससे ज्यादा तो आवश्यकता है रोजगार की, सहयोग से ज्यादा है रोजगार। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, शनिधाम ट्रस्ट इस तरह के बहुत से कार्यक्रम चलाता है, जगह जगह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र कर रहे हैं। गरीब कार्ड की योजना के दिन बहुत से काम होंगे, गरीब कार्ड योजना के, इन्हें सिलाई प्रशिक्षण, इन्हें रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध कराना मेरा मकसद ये भी है। मैं वे लोग जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए मैंने 700 बच्चों का आश्वासन बालग्राम स्कूल बना रखा है। मैं रोजगार के साधनों की तैयारी में लगा हूं, जब तक मैं इनसे मिलूंगा नहीं, इनके पास पहुंचूंगा नहीं, ये क्या कर सकते हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आप लोगों से जानकारी मिलेगी। और रोजगार के साधन उपलब्ध करना भी मेरा एक उद्देश्य यहाँ है। तो सर आपकी मॉनिटरिंग किस तरह करेगी, इसमें किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे आप सारी सारी योजनाएं? शनिधाम ट्रस्ट जगह जगह, शनिधाम ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, हम सभी लोग मिलकर ये काम करते हैं और वही लोग इनको देखते हैं, वही लोग इनको। संत महात्माओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हमेशा मेरा संदेश रहा है। संत महात्मा को राजनीति से क्या लेना देना, संत महात्मा का उद्देश्य है राजनेताओं को सद शिक्षा देना, सद विचारधारा पैदा करना और उनके अंदर से एक प्रेरणा देना कि वो राष्ट्र किसे। किसी भी संत महात्मा को राजनीति से दूर, क्योंकि जब जब धर्म में राजनीति आई है राष्ट्र का नुकसान हुआ, जब जब राजनीति में धर्म आया राष्ट्र का कल्याण। संत महात्मा को खाली आशीर्वाद देना चाहिए, राजनीति से दूर होना चाहिए। देश की नीवी राजनीति पे टिकी हुई, ऐसे में मुझे नॉलेज नहीं, आप जुटला नहीं सकते साथ, नहीं मुझे ज्ञान ही नहीं, तो जिस भाई मैं जिस मार्ग का जानकार नहीं हूँ तो उसके बारे में क्या कहूंगा, मेरा विषय नहीं है। नहीं आप पूछिए, इनको पूछना, नहीं नहीं बहुत जरूरी, आप सवाल लेकर मुझे अच्छा लगे, आप सवाल आज राजनीति में लेकर नहीं, कुछ भी करें जो मुझे होगा मैं बता दूंगा। आज आपसे पूछ रहे हैं तो फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। ग्रह दिनांक जगत सर्वो संस्था प्रथमा ग्रह होल यूनिवर्स कंट्रोल बाय द प्लैनेट, शनि का चीफ कंट्रोलर। सबसे बड़ी बात तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ती, दृष्टि पड़ती अपने कुकर्मों की। शनि शत्रु नहीं मित्र है, जना नाम कर्म बोल दो ग्रह रूपी जनाद, जो स्वयं जनार्दन ग्रह के रूप में अवतार लिया उसकी कुदृष्टि कैसे हो सकती। कुदृष्टि अपने कुकर्म, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता है, जो अग्नि संस्कार के बाद धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, जो इस राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है, उसी पे शनि की कुदृष्टि होती और किसी पे नहीं। ये शनि की पूजा केवल शनिवार को क्या पानी ऐसे कैसे हो सकता है? पूजन तो हमेशा, अरे भाई पूजन तो पूजन है, हृदय में जब चाहो पूजन करिए कल्याण होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तंत्रागत व्यापारियों की भाषा है कि शनिवार को करना चाहिए, मंगलवार को, एक ठीक है एक पार्टिकुलर समय लिया, जैसे हम त्यौहार मनाते इस बहाने इकट्ठे होते, ऐसे शनिवार इसलिए लिया कि चलो कम से कम शनिवार दिन तो याद करें। लेकिन शनि छत्र नहीं मित्र है, इस बात का ध्यान रखिए। शनि अमंगलकारी नहीं मंगलकारी है, भाग्य विधाता है, कर्म कर संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है शनि। शनि से मत घबराओ, कहीं घबराना है तो अपने कुकर्मों से करो। और क्या है उपाय, तो करो माँ बाप की सेवा, शादी हो गई तो अग्नि संस्कार हो गए तो पति पत्नी प्रेम और इस राष्ट्र बाबा, और लगाओ गरीब को गले, शनि अनुकूल हो जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है तो कहता है कि मेरी क्या स्थिति चल रही है, वो जाता है कुंडली बताता है, महात्माओं के पास जाता है, योगी आत्माओं के पास जाता है। हमारे वर्तमान देश के अंदर हर रोज नई नई बातें, नए नए स्कैंडल आ रहे हैं, भ्रष्टाचार आ रहे हैं, क्या हमारे देश के ऊपर किसी ऐसी शनि की दृष्टि पड़ गई है? आप ये नहीं समझ रहे कि ये अच्छा कार्य है, जिस तरह भारत की अभी दशा है और इस समय जिस तरह के ग्रह युगा बृहस्पति और शनि का मिलन है, धर्म और कर्म का मिलन है, जो भी कुकर्मी होगा उसका पर्दाफाश तो होने होना। शनि और बृहस्पति का मिलन हमेशा यही कहता है कि जो राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं है उनके पर्दाफाश हो जाए, जो राष्ट्र के प्रति वफादार है, राष्ट्र से प्रेम करता है, उसका बालमाका नहीं वो राजा बन जाएगा। शनि धर्म और कर्म, बृहस्पति में इस समय मीन राशि में और शनि कन्या उच्चाभिलाषी शनि और बृहस्पति से मिलन कर रहा है, यह समय कैसा समय है कि राष्ट्र के प्रति जो खिलवाड़ करेंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, ऐसा समय है। न्यायपालिका मजबूत होगी, जिस तरीके का योगा योग है, न्यायपालिका मजबूत होगी इस समय। अक्सर वो ज्योतिष के बारे में भी बताते हैं, ये साल शुरू हुआ है, ये भारतवर्ष के लिए कैसा साल रहेगा? और संत दरिया ने एक बहुत बड़ा बात कही है, हमारे बहुत 23 वर्षों पहले दरिया हुए, उन्होंने कहा कि को कारण जो हृदय मिटाए, जो कहे सोई मिट जाए। भारत
की जो लग्न है और भारत की जो गर्भदशा है आने वाले 20 साल क्या 50 साल क्या भारत की वर्चस्व था है और रहेगा। भारत कहीं भी नीचे नहीं झुक सकता, इस तरह की दशाएं अभी भी है और कहीं घबराएं। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत संपूर्ण विश्व का सरताज है, था और रहेगा। दशा ये कहते कि भारत में कहीं तकलीफ है तो खाली इतना है कि हम एक रहे। बहुत होगी भाषा की बात, बहुत होगी प्रांत की बात, बहुत होगी जाति की बात, अब थोड़ी सी राष्ट्रवाद की बात करनी पड़ेगी और इस मसलों से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे राष्ट्र प्रगति नहीं। इसलिए मैं बात खाली राष्ट्र को यह कहना चाहता हूं कि न जातिवाद, न भाषावाद, न प्रांतवाद, कहीं बात करनी तो राष्ट्रवाद की बात करिए, कल्याण हो जाएगा। दरबार स्कूल में आयोजित समारोह में 1000 लोगों को गरीब कार्ड देने के साथ ही 100 विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल, कपड़े और नगद सहायता राशि दाती मदन महाराज, पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन, जिला कलेक्टर सिरोही श्रीराम मीणा के साथ जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में दी गई है।